नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। मुफस्सिल क्षेत्र के जीतपुर में फिर पड़ा छापा, एसडीपीओ जितवाहन उराव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। लगभग 15 टन अवैध कोयला बरामद, धंधेबाज भागने में रहे सफल। 12 शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन जारी, इस बार 48 शिक्षकों ने की नुक्कड़ सभा, सरकार के खिलाफ किया विश्व वमन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, शहीद सीताराम उपाध्याय के परिजनों को किया गया सम्मानित। बच्चों के बीच कराई गई खेल प्रतियोगिता, विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और मंझला डी की आबो हवा हो रही है बर्बाद, लौह कारखानों से पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है यह इलाका। जल जंगल जमीन के साथ साथ इंसानी जान पर भी मंडरा रहा है अकाल मौत का खतरा। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल क्षेत्र के जीतपुर में पुलिस ने छापा मारकर लगभग 15 टन अवैध कोयला बरामद किया। एसडीपीओ जीतवान राव के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। गिरिडीह में इन दिनों अवैध कोयला माफियाओं की मानो सामत आई हुई है, लगातार पुलिस एक्शन में है और जगह जगह पुलिस का छापा भी पड़ रहा है। शनिवार को भी अहले सुबह एसडीपीओ जितवाहन उराव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के जीतपुर में छापा मारा और लगभग 15 टन अवैध कोयला बरामद किया। इस दौरान कोयला लदी कई बैलगाड़ियों को भी नष्ट किया गया, साथ ही जब्त कोयले को संबंधित थाना के सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही है कि विभिन्न इलाकों में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है, इसी सूचना के आलोक में छापेमारी भी की जा रही है। आज पुलिस दल के पहुंचते ही धंधेबाज भागने में सफल रहे, लेकिन अवैध कोयला को बरामद किया गया। आगे भी पुलिस का इस तरह का अभियान जारी रहेगा। कोयला छापामारी किया गया कहाँ कहाँ से? हाँ, गुप्त सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से जीतपुर क्षेत्र में कोयला का कारोबार किया जा रहा है, इसको लेकर के छापामारी की गई है। लगभग 10-15 टन कोयला की बरामदगी हुई है, साथ में बैलगाड़ियों को तोड़ा गया है। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी जब तक अवैध कारोबार रुकी है। इसमें गिरफ्तारी सर किसी का? गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जैसे हमारी टीम पहुंची लोग भाग के कोयला को छोड़ करके कोयला गिरती है। 12 शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। शनिवार को 12 शिक्षकों ने जगह जगह नुक्कड़ सभा की और लगभग सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। 12 शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा की। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। यहां बता दें कि पिछले माह भर से 12 शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन किए हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया कि इसी कड़ी में आज नुक्कड़ सभा की गई है ताकि आम आवाम का समर्थन भी उन्हें मिल सके। अपने अपने क्षेत्र में जो सारा सामान है, 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 अपने अपने क्षेत्र में जो सार
राज्य के 67,000 पारा शिक्षक विगत 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और इस बार पारा शिक्षकों का जो डिमांड है छत्तीसगढ़ और बिहार के स्तर पे समान काम के बदले समान वेतन और पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण। और अब तक हम लोगों ने विभिन्न तरह का कार्यक्रम कर चुके हैं और आज से झारखंड के तमाम चौक चौराहों पे भाजपा का पोल खोल अभियान नुक्कड़ सभा की ओर से हम लोग कर रहे हैं और ये मैसेज हम लोग अब गाँव में देना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था जो पारा शिक्षकों के बल पर टिकी हुई थी और झारखंड की सरकार पारा शिक्षकों को अपमानित कर रही है, जिसके कारण वहां पे है कि फिर से जो कि पारा शिक्षकों के बल पे जो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई थी, साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई थी, फिर से लगता है कि रघुवर की सरकार बिल्कुल पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, जिसके कारण वो प्राइवेट स्कूलों को वो बढ़ावा एक और दे रही है और दूसरी ओर जो गाँव के गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे गरीब गाँव के बच्चों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए गाँव के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद सीताराम उपाध्याय के परिजनों को सम्मानित किया गया, साथ ही बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिताएं भी कराई गई। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पालगंज के शहीद BSF जवान सीताराम उपाध्याय की पत्नी एवं उनके माता पिता को श्रीफल व सॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय की ओर से शहीद की पत्नी को 1100 और उनके माता पिता को 1000 का चेक भी प्रदान किया गया। मौके पर प्रबंध कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष उदय शंकर उपाध्याय, सचिव दीपक शर्मा आदि उपस्थित थे। बताया गया कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। पाकिस्तानियों की हरकत से परेशान होकर शेख मुजीबुर रहमान ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सहायता मांगी तो उन्होंने वहां अपने सैनिकों को भेजकर बांग्लादेश नाम से एक स्वतंत्र देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब से प्रत्येक 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता भी कराई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नलिन कुमार, अनीता मिश्रा, नागमणि कुमारी, ज्ञान वर्मा, राम प्रवेश पांडे समेत समस्त आचार्य व दीदी एवं अन्य कर्मचारीगण की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। कार्यक्रम के दौरान अतिथि परिचय एवं मंच संचालन राजेंद्र लाल वर्णवाल के द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने किया। संगठन बनाया, ये बात है 1971
फोर से लेकर के दसम के भैया बहनों का के सामने उद्बोधन था, और साथ साथ अभी मनवर शहीद सीताराम जी के परिवार का विजय दिवस के उपलक्ष्य पर उनको सम्मान करने के लिए उनके माता पिताजी को और उनकी पत्नी को आज विद्यालय लगभग 21,000 रुपये दे करके उनको सम्मान करने का कार्यक्रम किया है अभी। तो आइए, आज कार्यक्रम दिन भर का था, आज कल 16 दिसंबर को विजय दिवस है, इसके उपलक्ष्य पर विद्यालय में यह सभी कार्यक्रम पूर्व संध्या पर की गई। मुफस्सिल क्षेत्र की मंजलाडी में संचालित फैक्ट्रियों के प्रदूषण से आसपास का इलाका तबाह होता जा रहा है। प्रदूषण की जद में आकर वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। औद्योगिक इलाके के मंजलाडी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। प्रदूषण की मार से यह इलाका बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल यह आसपास संचालित स्वाति, अतिवीर, बालमुकुंद आदि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा इस इलाके की आबादी पर खतरे की तरह मंडरा रहा है। लोगों की दिनचर्या तो खराब हो ही गई है, वहीं इनकी जिंदगी भी खतरे की जद में है। इलाके का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से असंतुलित है और पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब कुछ प्रदूषण से प्रभावित है। इलाके में सब कुछ काला काला नजर आता है। कुल मिलाकर यह कहें कि क्षेत्र का जल, जंगल और जमीन के साथ साथ इंसानी जान भी प्रदूषण की चपेट में आकर कसमसा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ग्रामीणों के लाख गुहार के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन की टीम इस इलाके का दौरा करने आई, जांच पड़ताल की, लेकिन नतीजा सिफर। इनकी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। पैसे और रसूख के दम पर बड़े बड़े धंधेबाज प्रदूषण फैला रहे हैं और गरीब तबके के लोग इस प्रदूषण की मार से जिंदगी और मौत के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं।
बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने शनिवार को डाणीरी स्थित पावर सब स्टेशन में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान बिजली समस्या दूर करने से संबंधित कई योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार ने शनिवार को डाणीरी पावर सब स्टेशन में प्रेस वार्ता की। मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में दो नए पावर सब स्टेशन बनेंगे की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड और सीओडी में सब स्टेशन का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 100 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पावर सब स्टेशन के निर्माण हो जाने से शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वहीं 4 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसके बन जाने से डीवीसी के लोड शेडिंग की समस्या दूर हो जाएगी और ग्रिड विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। यहां इस प्रेस वार्ता में विद्युत कार्यपालक अभियंता उत्तरी क्षेत्र के महादेव मुर्मू, सहायक विद्युत अभियंता ग्रामीण देशराज, सहायक विद्युत अभियंता शहरी सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद थे। गिरिडीह जिला में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए सरकार 642 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, जिसमें 11 KV की लाइन, 11,000 लाइन, LT काम, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ लगाए जाएंगे और 4 ग्रिड हमारे यहाँ बन रहे हैं, जिसमें से 2 बहुत एडवांस स्टेज में हैं, 2 ग्रिड में भी काम चल रहा है। 12 सब स्टेशन बनने हैं, इससे बिजली के मतलब कंज्यूमर को गुणवत्ता युक्त बिजली हम दे पाएंगे। बिजली की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी गिरिडीहवासियों को। गिरिडीह कब तक सब पूर्ण विद्युतीकरण वाला जिला बन जाएगा? दिसंबर के अंत तक हर घर में बिजली हम लोग पहुंचा पाएंगे, सभी को बिजली मिलने लगेगी, पूर्ण विद्युत जिला हो जाएगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक रीढ़ी इकाई द्वारा शनिवार को नया सर्किट हाउस में एक बैठक की गई। इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा हुई एवं आवश्यक निर्णय लिए गए। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नया सर्किट हाउस में शनिवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक रीढ़ी इकाई द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन शकील अख्तर अंसारी उपस्थित थे। वहीं मौके पर झारखंड प्रदेश कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सिन्हा, सदर अध्यक्ष मोहम्मद केसर तौहीद, चेयरमैन प्रोफेसर मुकेश शाह, सोशल मीडिया प्रभारी इसराइल अंसारी, मोहम्मद शद्दाम हुसैन, सोनू खान, तनवीर हयात, मोहम्मद अज्जू, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद मासूम अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की गई एवं आगे के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अहम निर्णय लिए गए। साथ ही बताया गया कि 5 राज्यों में चुनावी परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि आम लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए भाजपा को इन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं आने वाले आगामी चुनाव के नतीजे भी भाजपा सरकार के विरुद्ध ही होंगे। जनता जान चुकी है कि यह सरकार आम लोगों के शोषण की सरकार है, जिसका गिरना अति आवश्यक हो चुका है। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने और भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए झारखंड में अहम भूमिका निभाएगी। आज जो यहाँ पर आपका दौरा है जी, किन चीजों को लेकर? अभी हम एक महीने से लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव में लगे हुए थे और सबसे पहले तो मैं हमारे सब साथी जो टीम के लोग, उन्होंने कहा कि आप आए हैं सर, तो गिरिडीह जिला में आप आइए, बहुत खुशी होगी। तो मैं गिरिडीह का प्रोग्राम आज बनाया और अपने संगठन के सभी के लोग साथ में, हमारे जिला अध्यक्ष कुछ अपने निजी काम से आज दिल्ली गए हैं, इसलिए आज वो साथ में नहीं है, लेकिन पूरी टीम हमारे साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 राज्य में चुनाव हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आज से कुछ महीने पहले जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया था और देश के जनता के सामने उन्होंने रखा था कि चौकीदार ही चोर है, इस बात को 5 राज्य के लोगों ने, जनता ने मान लिया है और भारतीय जनता पार्टी को 5-0 पे लाके खड़ा कर दिया। और देश के जनता आने वाले दिनों में जो 2019 का चुनाव, उसका
इंतजार कर रही है और देश की जनता ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। 2019 के चुनाव में इस चौकीदार को झोला लेकर जाना ही पड़ेगा, भेज देंगे। झामुमो द्वारा शनिवार को जिला कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई आवश्यक निर्णय लिए गए। मौके पर सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई द्वारा शनिवार को जिला कार्यालय में एक बैठक की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष अजित कुमार, दिनेश यादव, शहनवाज अंसारी, मकसूद आलम, मोहम्मद जैनुद अंसारी सहित कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर सशक्त बूथ कमेटी गठन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं 2,00,000 लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया। बताया गया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जन्म दिवस पर उनको भेंट के रूप में 2,00,000 नए झामुमो कार्यकर्ताओं की सदस्यता ग्रहण की सूची उन्हें सौंपी जाएगी, जिसको लेकर कार्यकर्ता क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यह लक्ष्य जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। और मैं अपना सूची जिला अध्यक्ष को सौंपेंगे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की एक आवश्यक बैठक चल रही है। इस बैठक में पिछले दिनों केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय, जिसमें सघन सभ्यता अभियान जो 10 दिसंबर से 10 जनवरी 2019 तक चलाना है, जिसके तहत इस जिले को 2,00,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वो दूसरा एजेंडा मनरेगा, जो इस झारखंड राज्य में पूरी तरीके से ध्वस्त है, बिचौलियों के जिम्मे है। उनमें जो कार्डधारी जॉब कार्डधारी जिन्हें पिछले काफ़ी समय से काम नहीं मिला है, वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके द्वारा प्रशासन के समक्ष आवेदन दिलाकर उन्हें काम नहीं दिए जाने के वजह में भत्ता दिलाने का भी योजना, हम लोग काम मांगो योजना, रोजगार दो योजना का शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही जो प्रखंड समिति, जो पंचायत समिति का पुनर्गठन था, उस संबंध में भी हम लोगों ने जो निर्णय लिया था उसका अनुपालन और समीक्षा कर रहे हैं। और बूथ समिति गठन की समीक्षा की जा रही है। ये चीज़ें, जो तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में संगठन को और सशक्त बनाए। और अंतिम जो 11 जनवरी 2019 को हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का 75वां जन्मदिन मनाया जाना है, इस जिले में जो 2,00,000 नए सदस्य जोड़ने का काम करेंगे। बनियाडी स्थित ऑफिसर्स क्लब में शुक्रवार को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन केंद्रीय कमेटी की एक बैठक की गई। इस दौरान कई लोगों ने यूनिट की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन केंद्रीय कमेटी की एक बैठक शुक्रवार को बनियाडी ऑफिसर्स क्लब में की गई, जिसकी अध्यक्षता वरीय उपाध्यक्ष भोला प्रसाद एवं संचालन केंद्रीय सचिव राजेंद्र यादव ने की। मौके पर केंद्रीय संयुक्त महासचिव बेनीलाल मेहता, सचिव कृष्णा थापा, कोषाध्यक्ष विश्वनाथ तुरी, सदस्य देवकी महतो, छोटेलाल गुप्ता, गणेश प्रसाद आदि मौजूद थे। बैठक में सर्वप्रथम शोक सभा कर यूनियन के तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष लालू सोरेन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात संगठन को सशक्त करने एवं प्रत्येक क्षेत्र व यूनिट में जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। वहीं सर्वसम्मति से यूनियन के वरीय उपाध्यक्ष भोला प्रसाद को केंद्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं इस दौरान एम के वर्मा, निरपत साव, गुलाब साव समेत कई लोगों ने यूनियन की सदस्यता भी ग्रहण की। ये आज का बैठक झारखंड कोलेरी मजदूर यूनियन की बैठक है और केंद्रीय अध्यक्ष जो लालू सोरेन जी यूनियन के थे वह हमारे बीच नहीं रहे, तो केंद्रीय अध्यक्ष पद का भी जो है खाली है, उसको भी हम लोग भरना है। उसका नियमता ही है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि केंद्रीय उपाध्यक्ष जो वरीय उपाध्यक्ष होता है उसी का नाम जो इसमें जाता है, फिर उसको सर्वसम्मति से जो है कि आज निर्णय लोग ले रहे हैं। दूसरी है 8 और 9 को पूरे कोल इंडिया में आम हड़ताल हो,
मजदूरों के विभिन्न समस्याओं को लेकर, विस्थापितों की समस्याओं को लेकर, और हमारे बीच में जो अस्थायी मजदूर हैं उसको लेकर, इसलिए ये सारी समस्याओं को लेकर आज का बैठक हम लोग कर रहे हैं झारखंड कुलीन मजदूर यूनियन का। पुराना परिषदन भवन में शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि चिरकी पलमा पथ का निर्माण कार्य पुलिस सुरक्षा के बीच ही हो सकता है। पीरटाण प्रखंड में वर्ष 2017 मार्च महीने से चिरकी पलमा पथ का निर्माण कार्य नक्सलियों के व्यवधान के कारण प्रभावित है, जिसे पूर्ण करने के लिए पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। उक्त बातों की जानकारी पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार शाम को पुराना परिषदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। मौके पर सहायक अभियंता शिवनंदन प्रसाद, जेई रामविलास रविदास, नरेश पोद्दार, दिनेश प्रसाद, नसीम अख्तर, प्रभात रंजन, रुपेश कुमार, विजय रवानी आदि मौजूद थे। बताया गया कि 22 किलोमीटर चिरकी पलमा होते हुए धनबाद राजगंज तक जाने वाली इस सड़क में काम मार्च 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन नक्सलियों ने संवेदक के प्लांट पर हमला बोलकर कई वाहनों में आग लगा दी थी। तब से वहां निर्माण कार्य प्रभावित है, जिसको लेकर SP से बात की गई है। कार्य अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा करना है। आरोप लगा रहे हूं। उसी में ये 8 रोड का जो है हम लोगों का वर्तमान में वो 8 रोड का काम चल रहा है। 8 रोड में 2 नई रोडें हैं, 3 नया रोड है, 6, 7, 8 कर्म संख्या। नगर निगम में जो भी काम हो रहा है वो क्या हो रहा है हमको नहीं बोलना है, मैंने मुंह अपना देख के अपना ठीक हो जाए। निगम जो लगा दिया था फेबर्स फेबर्स जो लगाया था, तो उसके उसका आदेश आप लोगों से लिया था? नहीं लिया है। क्या बगैर आदेश के उन्होंने लगाया, तो आप लोग कोई लिखित कार्रवाई की? हम लोग लिखित दिए हैं। क्या दिए? वही कि मत लगाइए। अच्छा, इस सड़क पर कोई जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिए कहाँ परहेज कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं, और वो फिक्स डिस्टेंस है वहाँ वहाँ लगा है। तो ये जो हाफ ढालना था, हाफ के बीच बीच में तो लगाना पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक सरिया? हाफ में नहीं, जो ये चौड़ाई है यहाँ 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 ऐसे ढंग से। अंत में जड़ डालते आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल क्षेत्र के जीतपुर में फिर पड़ा छापा। SDPO जितवाहन उराव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। लगभग 15 टन अवैध कोयला बरामद। धंधेबाज भागने में रहे सफल। 12 शिक्षकों का चरणबद्ध आंदोलन जारी। इस बार 48 शिक्षकों ने की नुक्कड़ सभा। सरकार के खिलाफ किया विश्व वमन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शहीद सीताराम उपाध्याय के परिजनों को किया गया सम्मानित। बच्चों के बीच कराई गई खेल प्रतियोगिता। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। और मंझला डी की आबो हवा हो रही है बर्बाद। लौह कारखानों से पूरी तरह प्रदूषित हो रहा है यह इलाका। जल जंगल जमीन के साथ साथ इंसानी जान पर भी मंडरा रहा है अकाल मौत का खतरा। अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।